हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर वही जिसकी लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी और उसी को कंटिन्यू करेंगे, वेदरिंग द स्टॉर्म इन सामा। ओके, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे एक 16 साल का लड़का है प्रशांत, वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया और फिर इतनी में ही क्या हुआ, वो 2-3 दिन के लिए गया था और साइक्लोन आ गया, ठीक है, चक्रवात, और जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी आ गया था। और ये रियल स्टोरी है जो उड़ीसा में हैपन हुई थी। और फिर उस बच्चे को यानी प्रशांत को वहाँ 2-3 दिन रुकना पड़ा मजबूरी में। वो आना चाहता था अपने परिवार के पास, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो नहीं आ सकता था। और वहाँ पे भी उसे अपने परिवार के साथ मतलब अपने दोस्त के परिवार के साथ घर की छत पर रुकना पड़ा, क्योंकि घर में गर्दन से ऊपर तक पानी था। और वहाँ उस छत पर 2 नारियल के पेड़ गिर गए थे, जिससे घर को नुकसान तो ज़रूर हुआ था, लेकिन वो नारियल के पेड़ वरदान साबित हुए उनके लिए। वैसे साबित हुए बेटा, वो ऐसे साबित हुए कि उस पर लगे हुए वो नारियल जो थे उनको तोड़कर उनके अंदर का पानी वो पी सकते थे, क्योंकि चारों तरफ पीने का और कोई पानी भी नहीं था, और उसके अंदर के गुदे को यानी नारियल को वो खाकर जिंदा रह सकते थे। तो इस तरीके से वो वरदान भी साबित हुए। और आफ्टर ऑल, जब पानी थोड़ा कम हुआ तो उसने डिसाइड किया कि मैं वापस अपने गांव में अपने परिवार से मिलने जाऊंगा, तो वो निकल पड़ा। हालांकि दोस्त के परिवार ने बहुत रोका, तो अभी वो निकला ही था, थोड़ी देर हुई थी, तो इतने में उसे अपने अंकल के 2-3 दोस्त भी मिल गए। तो इस तरह से वो एक लाठी के जरिए नीचे सड़क ढूंढने की कोशिश करते करते आगे बढ़ने लगा, लेकिन चारों तरफ लाशें थी, चाहे वो इंसानों की थी, जानवरों की थी, तबाही का मंजर था। ओके, इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। और ऐसे ही धीरे धीरे पार करता हुआ जो प्रशांत था, वो अपने गांव कालीकुड़ा, गांव का नाम क्या है, कालीकुड़ा, कालीकुड़ा में पहुंच गया। हिज हर्ट वेंट कोल्ड। वहां जाते ही उसका दिल ठंडा हो गया, ठंडा होने का मतलब दिल बैठ गया, घबरा गया वो। वेयर द होम वंस स्टूड, उसने देखा कि उसके गांव में जहां कभी घर खड़े होते थे, देर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। रेमिनेंट्स होता है बचे हुए हिस्से, थोड़े बहुत। तो वहां पर अब घर नहीं, घर की छतों के कुछ बचे हुए हिस्से नज़र आ रहे थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। उसके कुछ जान पहचान वाले जो लोग थे वर कॉट, वो पकड़े हुए थे, मैंगल्ड यानी उलझे हुए थे, एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़ यानी बेचारे पेड़ों पर चढ़े होंगे अपने आप को बचाने के लिए, और उन्हीं पेड़ों की टहनियों में ही वो उलझे हुए थे, यानी वहीं फंसे हुए थे, क्योंकि नीचे तो पानी था, उतर नहीं सकते थे। जस्ट विजिबल अबाउ द डार्क वाटर्स, उस काले गहरे पानी के ऊपर से जो थोड़े बहुत पेड़ों की टहनियाँ नज़र आ रही थी, वहीं पर कुछ जान पहचान के लोग उसको प्रशांत को नज़र आ रहे थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। रेड क्रॉस सोसाइटी एक इंटरनेशनल लेवल की NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती है। ओके, तो वहाँ उड़ीसा में जब ये हालात हुए तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो NGO है, उन्होंने अपने शेल्टर लगा लिए, यानी तंबू वगैरह लगा दिए, वहाँ पे हेल्प वगैरह पहुँचाने लगे। तो प्रशांत ने भी सोचा कि सबसे पहले मैं उस टेंट में या कैंप में जाकर अपने परिवार को ढूंढता हूँ। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज इज अ मैटरनल ग्रैंड मदर। और अपने परिवार के सदस्यों में से पहला जो सदस्य उसे उस भीड़ में नज़र आया वो थी उसकी नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब माँ की तरफ की दादी का मतलब नानी थी। वीक विद हंगर, जो भूख से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, शी रश टू हिम, और वो उसकी नानी दौड़ कर प्रशांत के पास आई, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड। और जब वो दौड़ कर आई तो उसके बाहें फैलाई हुई थी उसने, हर आईज ब्रीमिंग, और उसकी आँखों से आंसू छलक रहे थे। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि परिवार के सदस्य तो उसको बहुत समय पहले ही मरा हुआ समझ चुके थे, यानी परिवार को लग रहा था कि प्रशांत मर गया है, और प्रशांत को डर था कि कहीं परिवार में कुछ ना हो गया हो। क्विकली वर्ड स्प्रेड, शब्द फैल गए मतलब बात। ओके, क्विकली वर्ड स्प्रेड, जल्दी ही ये बात फैल गई
कि प्रशांत आ गया है एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और उसका वो बड़ा सा परिवार, एक्सटेंडेड मतलब विशाल विस्तृत, उसका वो बड़ा सा परिवार जो था, विस्तृत परिवार जो था, वो उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सारे उसको जोर जोर से हग करने लगे, यानी गले लगाने लगे राहत के लिए। प्रशांत एनेक्सली स्कैंड द मोटले, प्रशांत ने, एनेक्सली क्या होता है, चिंता में, उसने पूरे परिवार को ध्यान से स्कैन करने का मतलब, स्कैन करना यानी ध्यान से देखना, तो प्रशांत ने पूरे परिवार को बड़े ध्यान से देखा, बारीकी से देखा। बैटर्ड ग्रुप, जो ग्रुप उसका बिखरा हुआ था, परिवार बिखरा हुआ जो था, यानी तितर बितर लोग जो थे, उनको ध्यान से देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसने अपने भाइयों को, बहनों को, हिज अंकल्स एंड आंट्स, अपने चाचे चाचियों या मामे मामियों को, दे ऑल सीम टू बी देयर, सारे नज़र आ गए उसे वहीं पे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। अगली सुबह, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, जो हालात उसने उस शेल्टर में, उस कैंप में निराशाजनक हालात लोगों के देखे, ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। ग्रिप ओवर का मतलब कंट्रोल करना, तो उसने निर्णय लिया अपने ऊपर कंट्रोल करने का, यानी संभलने का। ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2,500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसने देखा कि जो उस कैंप में तकरीबन 2,500 लोग, जो उस कैंप में 2,500 लोगों की भीड़ हैं, वो उनके दुखों को उसने सेंस किया। सेंस होता है फील करना, ओके, फेल्ट, ओके। ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द, तो उस कैंप में 2,500 जो लोग थे, उन लोगों के दुखों को उसने महसूस किया। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, गांव में 86 लोग मारे जा चुके हैं। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जितने भी 96 घर थे, यानी गांव में 96 घर थे, सब के सब बह गए पानी में। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, आज उस कैंप में उनको चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और अभी तक ये गांव वाले भी उस शेल्टर में, उस कैंप में हरे नारियलों पर ही जिंदा थे, क्योंकि साउथ में नारियल बहुत होते हैं। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टिमोल्ट ऑफ पीपल। टिमोल्ट क्या होता है, टिमोल्ट होता है आपका हंगामा, ओके, शोर शराबा, डिसऑर्डर। इट वो ये उनका चौथा दिन था कैंप में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टिमोल्ट ऑफ पीपल, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इस हंगामे से परे जा पा रहे थे, यानी कि इस शोर शराबे या उन दुखों से ऊपर उठ पा रहे थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, सॉरी मैंने 16 बोला था, प्रशांत 16 साल का नहीं बल्कि कितने साल का था, 19 साल का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने निर्णय लिया कि वो अपने गांव को लीड करेगा, अपने गांव का नेतृत्व करेगा, यानी अपने गांव के की आगामी करेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं करता तो मैं करूँगा, उसने सोचा। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स, उसने नौजवानों का एक ग्रुप बनाया एंड एल्डर्स, और भी बड़े लोगों को साथ में लिया, टू ज्वाइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट, ताकि वो व्यापारी के ऊपर एक प्रेशर बना सके, दबाव बना सके, वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, कि वो दोबारा से, कि वो उन्हें चावल दे दे। पार्ट विद द राइस मतलब अपने चावलों से अलग हो जाए, कहने का मतलब कि जो व्यापारी के पास चावल हैं वो लोगों को दे दे उनको खाने के लिए। तो सारे ग्रुप मिला और उन्होंने जाके व्यापारी के ऊपर प्रेशर बनाया भी थोड़ा बहुत, दो हमें जैसे मर्जी है। दिस टाइम द डेलीगेशन, डेलीगेशन ग्रुप होता है, ओके, द डेलीगेशन सक्सीडेड, और इस बार पूरा ग्रुप सफल भी हुआ, यानी व्यापारी ने चावल दे दिए एंड रिटर्न्ड ट्रिम्फेंटली। ट्रिम्फेंटली होता है विजयी होकर, ओके, जीत कर, सक्सेस हासिल करके, ओके, तो एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली, और सारे मतलब विजय घोष करते हुए सारे वापस आए। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर, रिसीडिंग होता है बैक, पीछे की तरफ जाना, वेडिंग होता है आगे जाना, लेकिन बहुत मुश्किल से, टू मूव अहेड विद डिफिकल्टी, ओके। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड
फॉर द एंटायर शेल्टर, पूरे कैंप के लोग जो 2,500 लोग थे उन सभी कैंप के लोगों के लिए खाना लेकर, उस जो पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, पीछे हट रहा था, रिसीड कर रहा था, उस कम होते पानी में से बहुत मुश्किल से वो आगे बढ़ते हुए वापस शेल्टर में आए। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, इस बात का किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चावल तो ऑलरेडी सड़ चुके थे। रॉटिंग मतलब डिके हो जाना, खराब हो जाना। ब्रांचिज फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, पेड़ों की टहनियों को तोड़ा गया ताकि धीरे धीरे ही सही लेकिन एक हल्की आग जलाई जा सके। ऑन विच टू कुक द राइस, ताकि उस आग पर चावलों को पकाया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, इन 4 दिनों में पहली बार द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बैलीज, उस साइक्लोन में जो बचे हुए लोग थे, सर्वाइवर्स मतलब जो बचे हुए थे, वो बचे हुए लोगों को पहली बार इन 4 दिनों में पेट भर खाना मिला। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वमिट, फ्लॉटिंग कार्केसेस एंड टू टेंड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड। उसके बाद अगला जो कदम था प्रशांत का, कि ऐसे नौजवानों को इकट्ठा करना जो वॉलंटियरली वॉलंटियर्स होता है अपनी मर्जी से, स्वैच्छिक तरीके से, ओके। उसने ऐसे लड़कों का, ऐसे लोगों का ग्रुप इकट्ठा किया जो अपनी मर्जी से तैयार थे, क्या करने के लिए, टू क्लीन द शेल्टर, उस कैंप को साफ करने के लिए, क्योंकि 2,500 लोग वहीं रह रहे थे और वहीं वो गंदगी भी फैला रहे थे। तो उसने क्या किया कि इससे बीमारियां फैलती, तो प्रशांत ने बोला कि चलो मिलके इनकी सफाई करते हैं। तो उसने कुछ अपनी मर्जी से काम करने वाले लोगों का ग्रुप बनाया, उनको साथ लिया और आसपास जो फिल्थ मतलब टॉयलेट जो पड़ा हुआ था, यूरिन बाथरूम जो था, वॉमिट लोगों ने जो उल्टियाँ की हुई थी, एंड फ्लॉटिंग कार्केसेस और आसपास जो लाशें थी तैर रही, उन सबकी सफाई करी। एंड टू टेंड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और जो जख्मी लोग थे उस कैंप में, उन लोगों के जख्मों को ठीक किया, यानी उनके ऊपर मलम पट्टी की, एंड फ्रैक्चर्स और जिनकी कोई टांग बार टूटी हुई थी उनको भी उन्होंने ठीक किया, ओके। ऑन द 5th day, 5वें दिन, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, उस कैंप के ऊपर एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर गुजरा एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और ऊपर से कुछ खाने के पैकेट नीचे फेंके। इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद तो वो हेलीकॉप्टर कभी आया ही नहीं। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी द यूथ, अब उन सारे नौजवानों ने जो वॉलंटियर थे ना, उन सारे नौजवानों ने क्या किया, टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स, उन्होंने एक साथ फ्रॉम द शेल्टर, उस शेल्टर में से जितने भी बर्तन थे उन सबको इकट्ठा किया। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड, तब उन्होंने सारे बच्चों को तैयार किया कि वो रेत के ऊपर लेट जाएं। लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, क्योंकि कैंप थोड़ी ऊंची जगह पर था तो वहाँ से पानी थोड़ा जल्दी हट गया, तो आसपास जो रेत नज़र आ रही थी, तो उन्होंने शेल्टर में, उस कैंप में जितने भी बच्चे थे सबको बोला कि तुम इस रेत पर लेट जाओ और अपने पेट पर एक एक खाली बर्तन रख लो, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, ताकि ऊपर से जो हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं उनसे कैसे ना कैसे वार्तालाप किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके, उन तक अपना मैसेज पहुँचाया जा सके। That they were hungry, उनको बताया जा सके कि वो भूखे हैं। The message got through, और मैसेज मिल गया। कारण क्या था, ऊपर से जब धूप रिफ्लेक्ट हो रही थी तो वो धूप बर्तन के ऊपर पड़ती और बर्तन वो रिफ्लेक्ट होते थे, चमकते थे, तो ऊपर जो हेलीकॉप्टर में लोग थे उनको समझ में आ गया कि नीचे कोई लोग हैं जो बर्तन से या किसी चमकती हुई चीज़ से इंडिकेट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, ओके। तो उनका मैसेज एक तरह से उनको, हेलीकॉप्टर वालों को मिल गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और उसके बाद तो जो हेलीकॉप्टर था वो रेगुलर उस कैंप के ऊपर आने लगा, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और ऊपर से ही खाने और ज़रूरत की सारी चीज़ें वो नीचे फेंकने लगे।
प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फंड। प्रशांत ने देखा कि बहुत से बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर। प्रशांत ने उन सभी बच्चों को इकट्ठा किया एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और एक पॉलीथीन का उन सभी बच्चों का एक बड़ा सा कैंप लगा दिया। विमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम। औरतों को मोटिवेट किया गया कि वो उन बच्चों की देखभाल करें, यानी कैंप की बाकी औरतों को मोटिवेट किया गया कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे, मर चुके हैं, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उन बच्चों की देखभाल करें। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड। जबकि आदमियों की ड्यूटी क्या लगाई गई कि वो खाने का इंतज़ाम करें एंड मटीरियल्स फॉर द शेल्टर, और उस कैंप के लिए जो भी सामान की ज़रूरत है उसका इंतज़ाम करें। As the weeks passed, इस तरह कई हफ्ते गुजर गए। प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. और प्रशांत ने ये जाना कि जो औरतें थी और अनाथ बच्चे थे, विधवा औरतें थी और जो अनाथ बच्चे थे, वो धीरे धीरे अपने दुख में डूबते जा रहे हैं। डीपर डीपर एंड डीपर का मतलब डूबना और गहरा जाना। He persuaded the women, persuade होता है किसी को मना लेना, okay? He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किए गए एक प्रोग्राम में काम करने के लिए प्रशांत ने औरतों को मना लिया कि वो वहाँ काम करें और बदले में खाना हासिल करें। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और उन बच्चों के लिए प्रशांत ने कुछ खेल कूद ऑर्गेनाइज किए। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट। प्रशांत को खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए भी क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स। प्रशांत बाकी वॉलंटियर्स के साथ लगातार बिजी था इन हेल्पिंग द विडोज, उन विधवा औरतों की मदद करने में, एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स, बच्चों, अनाथ बच्चों और उन विधवाओं की हेल्प करने में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ सके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। और उसी वक्त भारत सरकार ने एक योजना जारी की कि जो इस तरह से विधवा औरतें हैं और अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसी संस्था स्थापित की जाए, एक संस्था स्थापित की जाए जहाँ पर वो रह सके। However, this step was successfully resisted. कहता है कि लेकिन इस कदम को बहुत सफलतापूर्वक रोक दिया गया, सरकार के इस कदम को रोका गया। As it was felt that in such institutions children would grow up without love. क्योंकि ऐसा माना गया या सभी ने यही महसूस किया कि ऐसी संस्थाओं में बच्चों का जो पालन पोषण है वो होगा तो ज़रूर, लेकिन उसमें प्यार नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है कलंक, ओके, एंड लॉन्लीनेस। और जो औरतें हैं वो तो विधवा के कलंक से जीवित रहेंगी, यानी वो तो यही सोचेंगी कि सभी लोग यही सोचेंगे विधवा है, कलंक है ये तो, एंड लॉन्लीनेस, और अकेलेपन का जीवन जिएंगी। इस वजह से सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इट्सेल्फ। प्रशांत और उसके पूरे ग्रुप ने ये महसूस किया या उनको विश्वास था कि ये जो अनाथ बच्चे हैं इनको हमारे ही समाज में दोबारा से बसाया जाए, कैसे ना कैसे, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज। इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसी औरतें जो विधवा भी हैं और उनके पास बच्चे भी नहीं हैं, उन्होंने उनको मनाया कि वो अपना एक परिवार बनाएं, इन बच्चों को गोद लेकर अपना एक परिवार बनाएं, एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। और ऐसे बच्चे जिनके ऊपर बड़ों का कोई साया नहीं है या कोई बड़ा देखभाल करने वाला नहीं है, वो ऐसी विधवाओं को गोद दे दिए जाएं ताकि उनका अपना एक अलग परिवार बन सके। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन। डिवास्टेशन होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही, ओके, ऑफ द सुपर साइक्लोन। इस सुपर साइक्लोन के, इस महाचक्रवात की तबाही के 6 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद, दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली। और अब 6 महीने तक प्रशांत की जो जख्मी आत्मा थी अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी।
सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन. शायद इस वजह से क्योंकि प्रशांत को पिछले 6 महीनों से वक्त ही नहीं था अपने दुख के बारे में सोचने के लिए. His handsome youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief. प्रशांत का वो खूबसूरत नौजवान चेहरा ही था जो विधवाएं और वो अनाथ बच्चे अपने दुख की घड़ियों में देखना चाहते थे. यानी वो विधवाएं और जो अनाथ बच्चे थे उनको सिर्फ एक ही अपने दुख में एक ही चेहरा नज़र आता था और वो चेहरा था प्रशांत का. ओके, विद इट वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर. एंड इससे हमें क्या पता चलता है कि मुसीबतें आती हैं लेकिन उन मुसीबतों से हमें जूझने के तरीके ढूंढने चाहिए और ना केवल सिर्फ अपनी हेल्प के बारे में, सबकी हेल्प के बारे में भी हमें सोचना चाहिए. ओके, थैंक यू. आप लिसन टू द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.